हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली गेहूं के आटे से किस तरीके से फ्राई की जाती है। तो गेहूं का आटा मैंने एक कटोरी लिया है, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी, उसके बाद थोड़े से गरम मसाले और नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लें। उसके बाद इस तरीके की मछली अच्छे से कोटिंग कर लें, क्योंकि ये मछली बीच का पोर्शन वाली मछली है, तो ये बहुत ही मोटे मोटे इसमें काटे होते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। तो ये मछली इस तरीके से थोड़ी सी उलट पलट के अच्छे से कोटिंग कर लें। कोटिंग करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करें। तो सारी मछली पहले कोटिंग करने के बाद, क्योंकि ये बिना ग्रेवी के ही बहुत ही मस्त लगती है और इसे एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए इसे बार बार बना के इसी तरीके से खाना चाहेंगे, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनती है। आई होप दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया था, आप चाहे कोई भी तेल ले सकते हैं। तो इसे इस तरीके से फ्राई करें, ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। तो ये 3-4 मिनट का नाश्ता परफेक्ट सा बन के रेडी होता है। अगर मेहमान घर में आए हैं तो मछली की ग्रेवी अगर बनानी है तो पहले इस तरीके से फ्राई करके खिलाएँ, तो ग्रेवी की जगह इसे ही खाना पसंद करेंगे। तो आई होप मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये देखिए मछली बहुत ही परफेक्ट सा उलट पलट के, एक बात का ध्यान रखना है कि मछली को तलते वक्त पहली बार जो ऐड करते हैं आप मछली, वो मछली को जब नीचे से पूरा अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी उसे पलटे, नहीं तो मछलियों का ये हमारी टूट जाती हैं और बिल्कुल भी तेल में बिखर जाएंगी। तो इस तरीके से फ्राई करें और दूसरी वाली भी हम उसी तरीके से कोटिंग करके जो रखे हुए हैं उसे भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और मछली का मुड़ा वाला जो पोर्शन होता है वो तो बहुत ही जल्दी होता है, इससे जल्दी होता है। और ये मछली इस तरीके से फ्राई करने पे क्या होता है कि घर में पूरे लोग अगर चटनी के साथ या फिर किसी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं और इसके ग्रेवी भी बना सकते हैं, बट मैंने इसे तल के इस तरीके से खाना पसंद, हमारे घर में खाना पसंद किया, तो मैंने भी आप सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनती है। तो आई होप ये मुड़े वाले का पोर्शन भी अब हम तल लेते हैं कि ये कितने जल्दी बन के रेडी होते हैं। ये तो इतना जल्दी बनेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये मैंने कब डाला और कब निकाला, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये देखिए मैंने मुड़े को भी, इसमें 3 मुड़े मतलब थे, तो मैंने इस तरीके से ऐड किया और एक बार पलटी किया। पलटी करने के बाद ये बिल्कुल भी बन के रेडी हो गया था। तो इसे भी मैंने निकाल लिया और प्लेटिंग किया, तो प्लेटिंग करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये वाला कलर अगर आपको लाना है तो गेहूं के आटे से बनाएं और क्रिस्पी यमी और टेस्टी टेस्टी मछली। तो अगली वीडियो में कुछ नया लेके मिलती हूँ, तब तक के लिए एंजॉय करिए, इसे बनाइए और बाय बाय।